नमस्ते एवरीवन, मैं मनिका शर्मा एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एमएस काव्य पे स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स का अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और मेरा पहला वीडियो मुझी को रोना है को लाइक करने के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम अपने ही घरों में लॉक्ड हैं, हर तरफ नेगेटिविटी का माहौल है क्योंकि ये कोरोना की बीमारी तेजी से फैल रही है। पर क्या हम इस नेगेटिविटी के माहौल में कुछ पॉजिटिव ढूंढ सकते हैं? इसी उम्मीद के साथ मैंने अपनी नई पोइट्री लिखी है जिसका टाइटल है लॉकडाउन। सो लेट्स चेक इट आउट। काम पे न जाने कितनी शामें बीती, काम पे न जाने कितनी शामें बीती, घर पर एक आराम भरी शाम के इंतजार में। कटती नहीं वो ही शामें अब अपने ही परिवार में। वक्त नहीं था कल खुद के पौधों को पानी देने का, अब गमलों की भी गिनती होने लगी है यार में। माँ बाप भाई बहन पति पत्नी और बच्चे रविवार के मोहताज रह गए थे। दरख्वास्त है इन्हें धोखा ना दे, बने रहें चार दीवार में। कुछ हफ्ते की गई घर वालों की मदद, वो प्यार वो व्यवहार जिंदगी भर की होंगी ये यादें। इस अवसर को यूं ही न जाने दे बेकार में। नींद सुख चैन वो घर का ही खाना और घर पे ही खाना। नींद सुख चैन वो घर का ही खाना और घर पे ही खाना। न जाने क्या क्या छीना है जिंदगी की तेज रफ्तार ने। वो बचपन का सुकून वो ठहराव वो धीरे धीरे बीतता दिन। वो बचपन का सुकून वो ठहराव वो धीरे धीरे बीतता दिन। बहुत कुछ बटोरने का मौका है इस लॉकडाउन के दरकार में। बहुत कुछ बटोरने का मौका है इस लॉकडाउन के दरकार में। धन्यवाद।